हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट सीन थ्योरी के बारे में। हम ये जानेंगे कि लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है, एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन के अंदर ये रेलेवेंट होती है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो कि लॉजिकली के ही नाम से है। आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है। तो देखिए, कभी भी अगर किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज को हमें कन्विक्ट कराना है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं एविडेंसेस। और ये एक कॉमन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का कि हम क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस को देखते हैं, ना कि क्वांटिटी ऑफ एविडेंस को। मतलब हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि एविडेंसेस की जो क्वांटिटी है वो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 5000 है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक भी कायदे का एविडेंस अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड तो केवल इसी एविडेंस के बेसिस पे भी एक्यूज को हम गिल्टी प्रूव करा सकते हैं, हम उसे कन्विक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि कोई भी जो एक्यूज होता है, जब वो किसी क्राइम को ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, प्लान करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कोई भी एविडेंस पीछे ना छूटे। और क्राइम करते वक्त भी एक्यूज के जहन में ये बात होती है कि मुझे कोई भी एविडेंस पीछे नहीं छोड़ना है जो कि पुलिस को मिल जाए। अब बाद में जब पुलिस ऐसे केसेस की तहकीकात करती है तो उसको जनरली डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक्यूज पूरी कोशिश करता है कि कोई एविडेंस ना मिले। तो अब ऐसे केसेस में जब पुलिस को एक्यूज को पकड़ना है तो उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की तरफ ध्यान देना पड़ता है, और वहीं पे ये लास्ट सीन थ्योरी काम में आती है, वहीं पे लास्ट सीन थ्योरी की उपयुक्तता साबित होती है। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ए है जिसकी डेथ होती है रात के 8 बजे। ओके, एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि एक आदमी था बी, जो कि ए से मिलकर 7:55 PM पे निकला था। मतलब वो ए से मिला था और 7:55 PM पे वो ए से मिलके चला गया, और 8 बजे ए की डेथ पॉइजन खाने से हो जाती है। मतलब पॉइजन से उसकी डेथ हो जाती है। अब यहां पे जो बी है, चूंकि वो आखिरी बार ए के साथ देखा गया था और उसी के तुरंत बाद ए की डेथ हो जाती है पॉइजन खाने से, तो यहां बी को जो है पकड़ा जा सकता है, पुलिस पकड़ लेगी बी को इस बिना पे कि इसको आखिरी बार देखा गया था ए के साथ और उसके बाद कोई और ए से नहीं मिला था। इसी को कहते हैं लास्ट सीन थ्योरी। तो लास्ट सीन थ्योरी सजेस्ट करती है कि द पर्सन हु वाज लास्ट सीन विद द डिसीज्ड राइट बिफोर हिज डेथ और विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर हिज डेथ, ड्यूरिंग विच नो अदर पर्सन कुड हैव इंटरपोज्ड बिटवीन देम, कोई और पर्सन उनके बीच में नहीं आ सकता था, तो इस केवल बिना पे द अदर पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पे माना जा सकता है, प्रिज्यूम किया जा सकता है कि बी ने ही वो क्राइम किया है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के ऊपर आ जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ, बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ए का खून नहीं किया है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि जो लास्ट सीन थ्योरी है, इसका जो एविडेंस है वो एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होगा। हमें सब पता है कि एविडेंसेस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सारे के सारे एविडेंसेस रेलेवेंट नहीं होते हैं एविडेंस एक्ट के अंदर। तो क्या लास्ट सीन थ्योरी का जो एविडेंस है वो रेलेवेंट होगा हमारे एविडेंस एक्ट में, और होगा तो कौन से सेक्शन के अंदर होगा। तो हम अगर गौर करें सेक्शन सेवन की तरफ, तो वहां पर हम पाएंगे कि एक वर्ड यूज हुआ है, अपॉर्चुनिटी। तो अगर किसी पर्सन के पास क्राइम करने की अपॉर्चुनिटी है तो उसका एविडेंस सेक्शन 7 के अंदर रेलेवेंट माना जाएगा। और यहां पे जो हमने अभी एग्जांपल देखा, वहां पे बी के पास साफ साफ अपॉर्चुनिटी थी कि वो ए का खून कर सकता है, क्योंकि वो आखिरी बार उसके साथ देखा गया था और उसी के बाद ए की जहर खा के मौत हो गई या जहर खाने से मौत हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वहां पे भी हम पाएंगे कि कोर्ट जो है वो एज्यूम कर सकती है एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स विच इन्वॉल्व नेचुरल अकरेंसेस, ह्यूमन बिहेवियर एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फैक्ट इज एस्टैब्लिश। अगर और फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश हो जाती है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है सर्टेन फैक्ट्स इन्वॉल्विंग नेचुरल अकरेंसेस, ह्यूमन बिहेवियर एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। और यहाँ पे हमारे इस केस में ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट होगा ह्यूमन बिहेवियर से। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि
एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है लास्ट सीन थ्योरी की, तो इसके लिए हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2018 में इसको डिसाइड किया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि जो एविडेंशियरी वैल्यू है लास्ट सीन थ्योरी की वो बहुत ही वीक है, इट इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस, लेकिन अगर और कई सारे एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड हैं जो कि इशारा दे रहे हैं बी की गिल्ट की तरफ, अगर बी की गिल्ट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से बी को आखिरी बार देखा गया था, तो यहां पे इन दोनों को मिला के बी को कन्विक्ट किया जा सकता है। केवल अकेले लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं होते हैं, इसका एविडेंस प्लस अदर कोरोबोरेटिंग एविडेंस अगर है तो दोनों को मिला के कन्विक्शन किया जा सकता है, कन्विक्शन दिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने लास्ट सीन थ्योरी को अच्छे से देखा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा है, इसके एविडेंशियरी वैल्यू को समझा है, और हमने ये भी देखा है कि एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शंस में ये रेलेवेंट हो सकता है। आगे की वीडियोस में हम ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके आया करेंगे और आपके लिए हम इनको इन वीडियोस में आसान भाषा में डिस्कस किया करेंगे। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।